अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आप लोगों के लिए होंडा सिविक 2005 EXI क्रॉसमेटिक का रिव्यू लेके आया हूँ, ब्लैक कलर में। और ये ओनर रिव्यू है, मेरे साथ तला होंगे, वो इसके बारे में बताएंगे कुछ। अस्सलाम वालेकुम तला भाई। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई। तो बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कब ली, क्या आइडिया था, इसके अलावा कौन कौन से ऑप्शन थे आपके पास? बिलाल भाई, बेसिकली ये 2005 का मॉडल है, 2005 का ये मॉडल है। और ये इसको हमने लिया था, ऑलमोस्ट इसको 4-5 साल हो गए लिए। तो उस टाइम इसकी वैल्यू थी 8.5-9, तो हमने ये 9 लाख रुपए की बाय की थी, ठीक है। और ये उस टाइम जेन्युइन थी, अभी भी जेन्युइन है। ऑलमोस्ट इसके सिर्फ जो हमारे पास कलर हुए हैं वो इसका एक बोनट है और एक फेंडर है बस, बाकी और किसी चीज़ें कोई कलर नहीं है। और थोड़ी बहुत इसके अंदर मॉडिफिकेशन ऐसे करवाई है मैंने, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इसके अंदर एक्सटेंडेड किट लगवाई है, इसकी लिप अलग से फाइबर की, तो थोड़ा सा एग्रेसिव लुक आ रहा है। तो अगर मैं मॉडिफिकेशन मजीद चाहूँगा इसको तो अच्छा लुक देगी ये। इसके अलावा मैंने साइड स्कर्ट्स लगाए हैं, वो भी फाइबर पे हैं, पूरी बॉडी मैंने किट फाइबर पे लगवाई है। ये इसकी फाइबर की किट लगवाई है साइड स्कर्ट्स, ऐसी बैक बम्पर इसका थोड़ा मैंने चेंज करने के लिए, वो थोड़ा सादा सादा सा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा साइड पे इसके दो ये लिप्स लगवा दी ऐसे। अब आप देख रहे होंगे बम्पर का हाल इस तरह ये हुआ है कि ये सही था, तो कराची की ड्राइविंग और ट्रैफिक ने इसका हाल ख़राब कर दिया। कोई घुसता है, कोई बाइक वाला, तो गली में खड़ी होती गाड़ी, जिसकी वजह से गाड़ी का ये थोड़ा लुक ख़राब हुआ हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसकी मज़ीद मॉडिफिकेशन इसकी करनी है, जैसे कि इसके अंदर अभी हमने कॉइल ओवर इंस्टॉल करने, इसका अलॉय मैंने मंगवाया है वो अभी आएंगे, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने जो कलर फेड हो गया है बम्पर का वो नया लगवा के बम्पर दोबारा से पेंट करवाना है। तो आने वाले दिनों में इसको और मैं अच्छे तरीके से बनाऊंगा। तो जितने टाइम हो गया इसको लिए हुए मुझे, तो दुख नहीं दिया इसने आज तक, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई। पेट्रोल एवरेज जो आजकल सबका सवाल चल रहा है, इसकी पेट्रोल एवरेज बहुत अच्छी है, 11 से 12 देती है ये मुझे एवरेज पेट्रोल पे। जी बहुत अच्छी एवरेज है इसकी, आज तक इसने छेड़ा नहीं ना तंग किया। अच्छा इसकी मेंटेनेंस क्या कॉस्ट क्या? मेंटेनेंस देखें, लोग बोलते हैं कि होंडा ले लो तो फिर हाथ ही पालने वाला हिसाब है कि होंडा नहीं लोगों से संभलती। देखिए अगर आप टाइम टू टाइम इसको मेंटेन करवाएंगे तो नहीं तंग करेगी गाड़ी, मुझे आज तक तंग नहीं किया, मतलब छोटे मोटे फॉल्ट आए तो इसको सही करवा लिया ऑन द स्पॉट, तो सही रहती है, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं आया अभी तो मैं अभी तक चला रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन थे जब मैं लेने जा रहा था, मेरे पास ऑप्शन था क्रोला का, विट्स का, इसका, तो मैंने यही प्रेफर किया कि आज होंडा पर ही आते हैं, क्यों ना हम होंडा पर आएँ। होंडा की ड्राइव जब चेक की, फिर मेरे दोस्त के पास क्रोला थी, मैंने क्रोला चलाई, तो मुझे इसका ड्राइव में ज़्यादा कम्फर्ट नज़र आया, इसकी रोड ट्रिप में नज़र आया, इसकी पिक में नज़र आया, तो इसलिए फिर मैंने यही बाय किया। आगे भी अगर इंशाल्लाह चेंज करूंगा अभी तो होंडा पे ही रहूंगा, होंडा लव हो गया। जी जी बिल्कुल, इंटीरियर आप देख लें, इसका इंटीरियर ऑलमोस्ट जेन्युइन कंडीशन में ही है अभी तक, कोई इसके अंदर छेड़ा नहीं है हमने। ये इसका अपना डैशबोर्ड इसका ओरिजिनल कंडीशन में है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर लगी, सिर्फ जो मैंने ये पैनल चेंज करवाया था ये जैपनीज सिविक का लगा हुआ है, ये लोकल सिविक में आप देखते होंगे दूसरे कलर का आता है, ये ब्लैक कलर में है, ये ब्लैक कलर का जो आता है ये जैपनीज सिविक के अंदर आता है। अच्छा ये कितने किलोमीटर चली है अभी तक? यार ये आपको मैं मीटर ऑन करके दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर चली हुई है, ये देख आ गया नजर आपको कितने किलोमीटर चली हुई। इसका मीटर भी देखा जाए तो इसके मीटर की जो ये सुइया है ना, इसी के सारे पैसे हैं, यही एक लोग अलग से देती रात के टाइम, इस सब कुछ जेन्युइन है, इसको कुछ नहीं छड़ा हुआ, इसकी सारी लाइटिंग सब कुछ, पूरी गाड़ी अंदर से पूरी जेन्युइन है, बाहर से भी जेन्युइन है, जो चीजें कलर थी वो मैंने आपको बता दी। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कोई काम आया? अक्सर लोग कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। नहीं सर, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आज तक कोई काम नहीं आया, मुझे कोई तकलीफ नहीं देती, लोग कहते हैं यार ऑटो लोगे तो गाड़ी खराब हो जाती है या मैं ट्रांसमिशन का इशू आता, नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल ओके चलती है ये। सही, पीछे से भी ओरिजिनल है, आगे से भी पूरी ओरिजिनल है। स्पेशियस है काफी। जी जी पीछे इसकी लेग स्पेस काफी ज्यादा है
और इजी स्पेस है इसकी। बाकी अब आपको मैं इसकी ट्रंक का दिखा देता हूँ, इसका ट्रंक स्पेस देख लें इसकी। काफी सारी इसकी ट्रंक स्पेस है। सिस्टम भी लगवाया हुआ है? जी जी सिस्टम, ये बस ये मेरा शौक था तो मैंने इस पर ये लगवा दिया था। बाकी इसकी स्पेस अभी बहुत है, ये इसकी वजह से आपको थोड़ा लग रहा होगा क्योंकि ये अंदर काफी अभी भी एक लगेज तो आ सकता है। जी जी आराम से आता है, तो इसको मैंने बनाया ऐसा है कि ये रिमूवेबल है, जस्ट क्लिप इसके हटाता हूँ तो ये बॉक्स पूरा बाहर आ जाता है, तो मेरी स्पेस वैसी की वैसी आ जाती है। ये पेट्रोल पे चला रहा हूँ, कोई तंग नहीं करती। लोग इसमें सीएनजी लगाते हैं तो सीएनजी की वजह से ये तंग करती है गाड़ी काफी ज्यादा। तो आप इससे खुश हैं? बहुत ज्यादा। कुछ डिटेल्स इंजन के बारे में बताएं इसके। ये ले चला भाई, बाइक पकड़ना। सर बेसिकली इंजन इसका ये है होंडा का 3017 कहलाता है ये इंजन इसका। जेन्युइन इंजन है ये, G17 इंजन इसके अंदर आता है। और ये हमारे पास 1500 cc है, 1500 पॉइंट तो कुछ करके ऑलमोस्ट ये 16 पहुंच जाती है ये, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं की हुई इंजन में, अभी जैसी थी फैक्ट्री फिटेड इंजन है वैसे ही इसकी ओरिजिनल कंडीशन में, ना इंजन इसका खुला है ना इसमें कोई मसला आया। सील्ड इंजन पे अपनी गाड़ी रखी हुई है अभी तक, इसकी हर चीज़ एक एक चीज़ इसकी ओरिजिनल है। इंजन रूम कुछ नहीं छेड़ा गया इसका, हर चीज़ इसके फ्यूज़ इनफैक्ट एसी वैसी सब कुछ इसका वर्किंग में है। सही, तो मुतमिन है आप इस गाड़ी पे? मैं भी मुतमिन हूँ, मैं तो कहता हूँ होंडा लव। तो वेलकम बैक। तो आज का बताएगा हमारा रिव्यू कैसा लगा, ओनर रिव्यू होता है ये। 2005 की होंडा सिविक थी ये, 1.5 cc। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियोस को लाइक करें, और जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसे क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आती रहें। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेगा।